नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी, सुबह का टाइम है, अंदर का काम मेरा सारा हो गया है। झाड़ू पोछा वगैरह जो मैं डेली लगाती हूँ, पोछा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं पोछा नहीं लगाती। और ये बताया था भी मैंने कि मम्मी, और जैसे अभी ज़्यादा सर्दी हो रही है तो मैं बोलती हैं कि रोज़ रोज़ कहीं नहीं लगाना, क्योंकि कह देती हैं कि मतलब छोड़ दे, 2-3 दिन में लगा लिया कर, पर मेरा खुद का मन नहीं मानता। और इधर बाहर की साइड है जो यहाँ पे गायें बनती है, तो इधर मतलब बाथरूम के गोबर के छींटे, और जैसे घास वास करते हैं तो पैरों पे कितनी भी कोशिश कर लो, गोबर वोबर चप्पलों पे लग के आ ही जाता है। तो जी देखो, घर कच्चा हो या पक्का हो या झोपड़ी हो, जैसा भी हो, तो उसमें जितनी हम सफाई रखेंगे वो हमारी सफाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। चाहे वो महल भी बना हो, घर कितना ही अच्छा क्यों ना बना हो, जब तक हम उसमें सफाई नहीं करेंगे, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके नहीं रखेंगे, तो कहना महल भी झोपड़ी जैसा लगता है। और झोपड़ी में जब अच्छी तरह साफ सफाई करेंगे तो वो भी महल के जैसे लगती है। चीज़ें अच्छे से मैनेज करके रखी जाती है। तो जी मेरा तो यही मानना है कि मतलब घर को अच्छे से साफ रखेंगे तो इतना ही वो होगा, अच्छा होगा, और देखने में भी अच्छा लगता है और अपने मन को तसल्ली भी मिलती है। जैसे तो जी बस उधर का पोछा वोछा लगा के और मैं लग गई हूँ, और देखो कपड़े धोने में। और इधर आज हमारे गोले सारे ख़त्म हो गए हैं, उधर से बिल्कुल साफ पड़ा है उस साइड से, रेड़े की साइड से। और कपड़े लग गई हूँ मैं धोने के लिए, समर सेविल में से पानी निकल रहा है। और बेडशीट उतारी थी मैंने, और देखो क्योंकि वैसे तो थपकी से भी खींच सकते हैं, पर फिर ज़्यादा छींटे लगते हैं, तो पैरों को ही मैंने तो वॉशिंग मशीन बना लिया है। और ये मतलब बुरुस बुरुस भी नहीं लगा सकते इन पे, क्योंकि गर्म चादर है, रुए से उठ जाते हैं, तो इस वजह से मैं पैरों से ही जंप कर करके तब इसको धो रही हूँ। और वॉशिंग मशीन की बात कहें तो जो चीज़ अपने पास नहीं है तो उसके लिए क्या ही वो करना, मतलब जैसे ही वो होते हैं, हालात होते हैं, तो ऐसे में मैनेज कर लेना चाहिए। तो जी मेरी चल रही है पैरों से धुलाई बेडशीट की, और धुल भी गई है ये चद्दर। और कुछ मतलब हाथ से धो दी थी मैंने, कुछ पैरों से धो दी थी, हाथ और पैर दोनों ही वॉशिंग मशीन बन गए हैं, और पानी तो निकल ही रहा है गरम गरम। और जब मतलब इसमें समरसेविल के पानी में ऐसा फील नहीं होता कि मतलब सर्दी है, तो गरम गरम पानी निकलता है और अच्छा मन लगता है। तो जी मैं लग रही हूँ इधर कपड़ों में से पानी निकालने के लिए, और ये नलका है हमारा, कपड़ों के मामले में ये बहुत अच्छे से वो है, क्योंकि सारा पानी इस पे टंगा देते हैं, सारा पानी नीचे उड़ जाता है। और जब कपड़े हल्के हो जाते हैं तो इनको ऊपर ले जाते हैं। और कपड़े भी काफ़ी सारे हो रखे थे, कुछ ब्रुश से धोए, कुछ पैर से धोए, कुछ हाथों से धोए, तो सभी काम चल रहा था। तो जी पानी नुचड़ गया था, और जो नहीं नुचड़ा था वो मतलब निचोड़ नचाड़ के अच्छे से मैं लेके जा रही हूँ इसको ऊपर। और बस सर्दियों में यही दिक्कत है कि मतलब धो तो देते हैं हम डेली के डेली, पर डेली के डेली सूखते नहीं हैं, कम से कम 3-4 दिन में जाके सूखेंगे ये कपड़े। अगर सूख गए तो रोज़ का यही होता है, अंदर अंदर फैलाओ, मतलब सॉरी बाहर फैलाओ, फिर इनको अंदर रखो, अधिकतर यही होता है सर्दियों में। तो जी बेडशीट में ज़्यादा पानी डला हुआ था तो उसको निचोड़ के तब लेके आई हूँ मैं ऊपर। और ये देखो कपड़े लाइन लगी पड़ी है अभी भी कपड़ों की, ये 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनको उतार के मैं उधर दूसरी साइड फैला दूंगी। 3-4 तार हैं ये, अब सर्दियों में हमारे ये चारों तार ही, तीनों चारों तार ही भरे रहते हैं, क्योंकि कपड़े सूखने का तो नाम है ही नहीं, ना तो धूप निकलनी ना कपड़े सूखने। वॉशिंग मशीन वालों के ही नहीं सूखते, हमारा तो फिर भी हाथ से ही धुलते हैं। बस ये है कि ये महीना है बस जनवरी का, फिर तो धूप निकलने ही लग जाएगी, धीरे धीरे टाइम कट रहा है, दिन जा रहे हैं एक एक। तो जी बस फला रही हूँ मैं इधर कपड़े, देखो कब तक सूखते हैं ये। और ये देखो बच्चों की यूनिफॉर्म भी है इसमें, मैंने बच्चों की छुट्टियाँ कब से पड़ रही हैं, तब धोए थे मैंने, जब से छुट्टियाँ पड़ी थी तभी उस दिन ही धो दिए थे मैंने, और आज तक इनका सूखने का नाम नहीं है। रोज़ अंदर डाल देती हूँ, अंदर ये बाहर वाली खाट जो यहाँ पे पड़ी हुई थी हमारे बरामदे से, मैं वो भी मैंने अंदर ही कर दी थी, क्योंकि अगर बाहर फैलाते हैं तो वे ओस की बूंदे सी इतनी पड़ती हैं ना, वो जितने सूखते हैं फिर इतने गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने 2-3 खाट अंदर ही खड़ी कर रखी हैं।
और उन पे ही फैला देते हैं कपड़े। और बस जी मैं नहा के आ गई थी और अब लगी हूँ सब्जी काटने, और ये गोभी काट रही हूँ मैं। और हल्की फुल्की सी ये सूरज सा दिखाई दिया है तो मैं बैठ गई हूँ बाहर, और खाने में बना रही हूँ मैंने आलू, गाजर और गोभी, और ये क्या बोलते हैं उसको, मटर। मटर तो खैर आजकल सारी सब्जियों में ही चलते हैं, कुछ भी सब्जी हो तो सब में मटर ही चलेंगे। तो जी बस इसमें डाल दिया था तड़का वड़का, और अभी पैर मेरे गीले थे, नहा के आई थी, जैसे जल्दी से सूखते नहीं हैं तो इस वजह से मैंने सॉक्स नहीं पहनी, क्योंकि गीले पैरों में सॉक्स पहन लेते हैं फिर ठंडा ठंडा लगता रहता है इस वजह से। तो जी हो गया था मेरा ये तड़का, और मैंने ये डाल दिया है इसमें। मिक्स सब्जी बना रही हूँ मैं, और बस लग रही हूँ अपने काम में। और ये देखो छोंक दी है मैंने सब्जी, और बच्चों का होता है आलू गोभी तो खा लेते हैं, गाजर का ऐसा ही होता है उनका, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स निकलता है। तो जी जैसे भी करके खा ली थी उन्होंने सब्जी, गाजर गाजर छोड़ दी थी, आलू गोभी खा ली थी। और आलू का तो ये है, वो तो गोभी भी नहीं खाती, कितनी भी कोशिश कर लो, बच्चों का यही है, प्यार से खिला लो, डांट के खिला लो, पर उसने खाई नहीं, आलू आलू निकाल के खा लिए। और इधर बैठ गई हूँ मैं मम्मी का सूट सिलने, पापा जी भी आ गए थे, ये पापा जी की चादर रखी है इधर ब्लैक वाली, खेत में उड़ के जाते हैं तो उन्होंने भी खाना खा लिया था। और पापा जी आके ठंड लगती है, नहा वहा के मुँह हाथ धोने होते हैं तो वो धो लेते हैं तो लेट जाते हैं। और मैं लग रही हूँ बस सूट सिलने में, काफ़ी टाइम हो गया इसको। तो जी बस आज जाके कम से कम 5-6 दिन में जाके तैयार हुआ ये सूट, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता, थोड़ा बहुत टाइम लगा है तब कर दूती, एक एक दो दो सिलाई, और ये सलवार भी 2-3 दिन में हुआ था, मतलब 5-6 दिन में जाके पूरा टोटल तैयार हुआ है। मम्मी का सूट है ये, और एक ही सिला था मैंने मम्मी का, अब तक इसकी प्रेस भी नहीं हुई। मैं सोच रही थी मैं दोनों भी करूँगी प्रेस, ये मैंने बात चुकी है गोलाई के लिए रख लिया था यहाँ पे, और ये भी ऐसे ही सिला था 10 दिन में, कभी थोड़ा 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 करके सी लिया। बस ये तो है अपने आप पे सिलाई आ रही, तो कोई काम आता है तो उसको चाहे कभी भी कर लो थोड़ा थोड़ा करके, अगर नहीं आती तो बस बैठे रहो वैसे ही। तो जी बस आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जी बस ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और अपना ध्यान रखिए, और ख़ासकर बच्चों का, क्योंकि बच्चे रिजाई बैठते नहीं हैं, पता है बच्चे हमारे भी बैठते नहीं बिल्कुल भी, उन्हें लगता है बस आप ही बैठ जाओ। तो जी बाय बाय।